बता के हम छो मजा माने ओके तो हमारा पहला इकाई एक इतनी शक्ति हमें देना दाता इस कवि का इस प्रार्थना काव्य का कवि कौन है अभिलाष वेरी गुड तो आज हम इस काव्य में क्या क्या ईश्वर से विनती की है वो हम आज यहाँ देखेंगे कि क्या क्या प्रार्थना की गई है तो विद्यार्थी मित्रों यह एक प्रार्थना काव्य है काव्य में ईश्वर से प्रार्थना की गई है कि किसी भी परिस्थिति में किसी से कोई भूल ना हो सबका जीवन उद्दात बने ऐसी मंगल कामना की गई है किसी से प्रति बैर भावना बदले का बदले को भावना मन में न रखकर सभी का जीवन मधुबन बने ऐसी भावना व्यक्त की गई है इस कविता में कवि ईश्वर से यह प्रार्थना करते हैं कि हम सब लोग अच्छाई के रास्ते पर चले भूलकर भी हमसे कोई गलती ना हो हमारे मन में किसी से बदला लेने की भावना पैदा न हो हम पाने की नहीं हम पाने की नहीं देने की चाह रखे यानी हम लेने की नहीं देने की चाह रखे अगर सब लोग आपस में अपनी अपनी खुशियाँ बांटना सीख ले तो वह धरती सचमुच मधुवन बन जाए अगर सब लोग आपस में अपनी अपनी खुशियाँ बांटना सीख ले तो यह धरती सचमुच क्या बन जाए विद्यार्थी मित्रों मधुवन। तो अब हम काव्य गान शुरू करते हैं आपको भी मेरे साथ गाना है ओके फिर मैं बाद में आपको शब्दार्थ लिखवाऊंगी और उसका समझूती अर्थ यानी सरल अर्थ हिंदी में और गुजराती में मैं आपको समझाऊंगी आपको ध्यान से समझना है और सुनना है इतनी शक्ति हमें दे न दाता मन का विश्वास कमजोर होना इतनी शक्ति हमें न दाता मन का विश्वास कमजोर होना हम चले देख रस्से पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना इतनी शक्ति हमें देना दाता मन का विश्वास कमजोर होना हम रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना तो विद्यार्थी मित्रों आपने गाया ना मेरे साथ ओके okay. तो मैं आपको इसका शब्दार्थ में लिखवाती हूँ शक्ति तो आपको शक्ति का मतलब यानी इसका अर्थ क्या होता है आपको पेंसिल से पुस्तक में लिखना है ओके बाद में नोटबुक में डाउन करना है शक्ति यानी बल ताकत दाता दाता यानी देने वाला कौन ईश्वर तो देने वाला या ईश्वर विश्वास विश्वास यानी भरोसा विश्वास यानी भरोसा नेक नेक यानी अच्छा नेक यानी अच्छा पे यानी पर अज्ञान सॉरी ये दूसरी पंक्ति में आएगा तो यहाँ नेक तो अच्छा पे तो पर आपको लिख लिया ना पुस्तक में ओके हे दाता हे ईश्वर तू हमें इतनी ताकत दे कि तुझ पर मेरे मन का भरोसा कभी कम न हो हम हमेशा अच्छाई और ईमानदारी से रास्ते पर चले और भूलकर भी हमसे कोई गलती न हो इस वजह से क्या प्रार्थना की गई है कि तुम हमें इतनी ताकत दे कि तुझ पर मेरा भरोसा कभी भी कम न हो और हर हमेशा अच्छाई और ईमानदारी से रास्ते पर चले और भूलकर भी हमसे कोई भूल ना हो तो विद्यार्थी भी मित्रों आपको मैं इसका गुजराती अर्थ में समझाती हूँ हे दाता हे ईश्वर तू अमने इतनी शक्ति आप के तारा पर थी मारा मन नो विश्वास कदी ओशो न थाए। अमे हमेशा भलाई अने प्रामाणिकता ना मार्ग पर चालिए ए अजान था पन अमारा थी कोई भूल न थाय तो विद्यार्थी मित्रों आपको समझ में आया ना ओके तो आपको ध्यान से सुनना है और समझना है हम दूसरी पंक्ति पर गाते हैं दूर अज्ञान की हो अंधेरे तू हमें ज्ञान की रोशनी दे हर बुराई से बचते रहे हम जितनी भी दे भली जिंदगी दे बैर होना किसी का किसी से भावना मन में बदले की हो ना हम चलेने एक रस्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल हो ना इतनी शक्ति हमें दे न दाता मन का विश्वास कमजोर हो तो विद्यार्थी मित्रों आपने मेरे साथ गाया ना कैसा लगा अच्छा लगा ना तो आपको दो तीन बार ये प्रार्थना काव्य गाना है ओके तो मैं आपको इसका अर्थ समझाती हूँ। पहले आप शब्दार्थ लिख ले अज्ञान अज्ञान यानी ज्ञान का अभाव रोशनी रोशनी यानी प्रकाश या उजाला भली ओके तो ये हम अगली पंक्ति में ओके बैर भली या अच्छी बैर ये तीसरी पंक्ति में है दुश्मनी बैर यानी दुश्मनी भावना भावना यानी इच्छा या चाह बदले यानी बदला लेने की भावना तो बदला यानी प्रतिशोध बदला यानी प्रतिशोध तो विद्यार्थी मित्रों सब सबने लिख लिया होगा है ना तो मैं आपको इसका सरल अर्थ समझाती हूँ आपको ध्यान से सुनना है हे hey ईश्वर तू हमें ज्ञान का प्रकाश दे जिससे हमारे अज्ञान का अंधेरा दूर हो जाए हे hey ईश्वर तू हमें ज्ञान का प्रकाश दे जिससे हमारे अज्ञान का अंधेरा दूर हो जाए हम हर बुराई से बचते रहे तुम हमें जितनी भी जिंदगी दे तू हमें जितनी भी जिंदगी दे वह भलाई से भरी हो में से किसी की किसी से दुश्मनी न हो में से किसी की किसी से दुश्मनी न हो और अगर कभी हो जाए तो हमारे मन में उसका बदला लेने की भावना पैदा न हो तो विद्यार्थी मित्रों हम आगे देखते हैं तो मैं आपको इसका गुजराती में अनुवाद करके बताती हूँ आपको ये समझ में आया ना कि इस प्रार्थना काव्य में क्या क्या ईश्वर से प्रार्थना की गई है ओके हे ईश्वर तू अमने ज्ञान नो प्रकाश आप हे ईश्वर तू अमने ज्ञान नो प्रकाश आप जैसे अमार अज्ञान नंधारू दूर थी जाए અમે દરેક ખરાબ કાર્યોથી દૂર રહીએ અમે દરેક ખરાબ કાર્યોથી દૂર રહીએ તું અમને જેટલી જિંદગી આપો તું અમને જેટલી બી જિંદગી આપે તે ભલાઈથી ભરેલી હોય કોઈની પણ સાથે અમારી દુશ્મનાવટ ન હોય કોઈની બી સાથે અમારી દુશ્મનાવટ ન હોય અને जो कैरेक दुश्मनावट थी जाए तोप हमारा मन में तेनों बदलो लेवा भावना उत्पन्न न था तो विद्यार्थी मित्रों आपको मैंने गुजराती में भी अनुवाद करके समझा कि इस प्रार्थना काव्य की पंक्ति में भगवान से क्या क्या प्रार्थना की गई है ओके हम तीसरी पंक्ति में देखते हैं तो विद्यार्थी मित्रों आपको मेरे साथ गाना है हम न सोचे हमें क्या मिला है हम ये सोचे कि या क्या है अर्पण फूल खुशियों के बाटे सभी को सबका जीवन भी बन जाए मधुवन अपनी करुणा का जल तू बहा के कर दे पावन हर एक मन का कोना हम चले रहे एक रस्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना इतनी शक्ति हमें देना दाता मन का विश्वास कमजोर होना तो विद्यार्थी मित्रों मेरे साथ गाया ना आपने ओके तो आप पहले शब्दार्थ लिख लीजिए अर्पण करना अर्पण करना यानी देना या समर् समर्पित करना मधुबन यानी उपवन या बगीचा करुणा करुणा यानी दया जल जल यानी पावन आ जल यानी पानी पावन पावन, पावन यानी पवित्र पावन यानी पवित्र तो विद्यार्थी मित्रों आपने लिख लिया ना ओके तो मैं आपको ये इसका सर अर्थ समझाती हूँ आप ध्यान से सुनिए हम यह कभी न सोचे कि हमें मिला क्या है ईश्वर से क्या कहते हैं हम कभी न सोचे कि हमें मिला क्या है हम बस यही सोचे कि हमने दूसरों को दिया क्या है हम अपनी खुशियों के फूल सब में बाटे हम दूसरों के फूल सॉरी हम अपने खुशियों के फूल सब में बांटे और सबका जीवन उपवन सा सुंदर बन जाए हे ईश्वर तू अपनी करुणा का जल हे ईश्वर तू अपनी करुणा का जल बहाकर हम सबके मन का हर कोना पवित्र कर दे हे ईश्वर तू अपनी करुणा का जल बहाकर हम सबके मन में का एक एक कोना पवित्र कर दे तो विद्यार्थी मित्रों आपको समझ में आ गया होगा तो अब मैं आपको गुजराती में अनुवाद करके समझाती हूँ। अमे एम कधी पर न विचारिए अमे एम कधी पर न विचारिए के हमने सु मळयो छे अमे बस इतलोच विचारिए કે અમે બીજાઓને શું આપ્યું છે અમે પોતાની ખુશીઓના ફૂલ બધામાં વેચી દઈએ અમે પોતાની ખુશીઓના ફૂલ બધામાં વેચી દઈએ અને સૌનું જીવન ઉપવન જેવું સુંદર બની જાય હે ઈશ્વર હું પોતાની કરુણાનું જળ વહાવીને અમારા સૌના મનનો દરેક ખૂણો પવિત્ર બનાવી દે हे ईश्वर तू अपनी करुणाનો જળ વહાવીને અમારું સૌના મનનો દરેક ખૂણો પવિત્ર બનાવી દઈએ તો વિદ્યાર્થી મિત્રો હમ હમ اگલી પંક્તિ પે જાતે હે આપકો ભી મેરે સાથ ગાના હે હમ અંધેરે મે હે રોશની દેખો ને દેખુદ કોહી दुश्मनी से हम सजा पाए अपने किए की, की मौत भी हो तो सहले खुशी से कल जो गुजरा है फिर से न गुजरे आने वाला तो कल ऐसा होना हम नेक रस्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल ना इतनी शक्ति हमें दे न दाता मन का विश्वास कमजोर हो ना तो विद्यार्थी मित्रों मेरे साथ गाया ना आपको आ गया इसका राग ओके okay. तो हम अब इसका सरल अर्थ समझेंगे हे ईश्वर हे ईश्वर हम अज्ञान के अंधेरे में हैं। तू हमें ज्ञान की रोशनी दे हम एक दूसरे से दुश्मनी कर अपने आप को मिटा न डाले हे ईश्वर हम एक दूसरे से दुश्मनी कर अपने आप को मिटा न डाले हे ईश्वर अगर हम गलत काम करें तो हमें उसकी सजा मौत भी मिले तो हम खुशी से उसे मंजूर कर ले कल जो बुरी घटनाएं हुई है वे फिर न हो आने वाला कल बीते हुए कल जैसा बुरा न हो तो आपको इस काव्य इस पंक्ति का समझ में आ गया होता तो आपको शब्दार्थ मैंने आपको लिखवाया नहीं है तो अब लिख ले सजा यानी दंड गुजरा यानी बीता गुजरे बीते जुल्म अत्याचार ओके आपने लिख लिया खुद को अपने आप को सजा तो दंड गुजरा तो बीता गुजरे तो बीते okay? और जुल्म, तो अत्याचार तो मैं आपको इसका गुजराती में अर्थ समझाती हूँ हे ईश्वर अमे अज्ञान न अंधारामा छे हे ईश्वर अमे अज्ञान न अंधारामा छे તું અમને જ્ઞાનનો પ્રકાશ આપ અમે એકબીજા સાથે દુશ્મનાવટ કરીને પોતાનો નાશ ન કરી દઈએ હે ઈશ્વર જો અમે ખોટું કામ કરીએ તો અમને મોતની સજા પણ મળે તો અમે ખુશીથી તેનો સ્વીકાર કરી લઈએ કાલે જે ખરાબ ઘટનાઓ બની છે તે ફરીથી ન થાય आवनारी काल गई काल जेवी खराब न हो तो विद्यार्थी मित्रों हम आगे आगे की पंक्ति पर गाते हैं हर तरफ जुल्म है बेबसी है सहमा सहमा सहर आदमी है पाप का बोझ बढ़ता ही जाए जाने कैसे ये धरती थमी है बोझ ममता से तू है उठा ले तेरी रचना का ही अंत होना हम चले ने पर हम चले नेक रस्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल ना इतनी शक्ति हमें देना दाता मन का विश्वास कमजोर हो ना तो विद्यार्थी मित्रों आपने मेरे साथ गाया ना ओके अब हम इसका सरल अर्थ और मैं आपको पहले शब्दार्थ लिखवाती हूँ सहमा सहमासा यानी डरा हुआ बेबसी बेबसी यानी लाचारी बोझ यानी भार थमना यानी रुकना ठहरना थमना यानी रुकना या ठहरना ममता यानी प्रेम या आत्महत्या रचना रचना यानी बनाई हुई दुनिया बनाई हुई दुनिया या सृष्टि तो विद्यार्थी मित्रों आपने लिख लिया ना शब्दार्थ ओके तो हम इसका अर्थ समझते हैं आज हर तरफ अत्याचार हो रहे हैं आज हर तरफ अत्याचार हो रहे हैं लोग उन्हें रोकने से असमर्थ है लोग उन्हें रोकने में असमर्थ है हर आदमी डरा डरा सा दिखाई देता है आज हर आदमी डरा, डरा डरा दिखाई देता है पाप का बोझ बढ़ता ही जा रहा है पाप का बोझ बढ़ता ही जा रहा है पता नहीं धरती यह सब कैसे सहन कर रही है पता नहीं धरती यह सब कैसे सहन कर रही है हे परमात्मा, हे परमात्मा ईश्वर तू अपनी ममता के बल से धरती के इस बोझ को उठा ले हे परमात्मा तू अपनी ममता के बल से धरती के इस बोझ को उठा ले जिससे तेरी बनाई हुई यह दुनिया जिससे तेरी बनाई हुई यह दुनिया नष्ट हो से होने से बच जाए तो विद्यार्थी मित्रों आपको समझ में आया ना इस पंक्ति का भावार्थ ओके तो हम अब गुजराती में अनुवाद करके मैं बाप को समझाती हूँ आजे बद्दी बाजूए अत्याचार थी रो आज बद्दी बाजुए अत्याचार थी छे। લોકો તેને રોકવામાં અસમર્થ છે લોકો તેને રોકવામાં અસમર્થ છે દરેક દરેક માણસ માણસ ભયભીત ભયભીત દેખાય દેખાય છે છે પાપનો ભાર વધી રહ્યો છે પાપનો ભાર વધી રહ્યો છે ધરતી આ બધું કેવી રીતે સહન કરી રહી છે તે સમજાતું નથી હે પરમાત્મા हे hey ईश्वर तू पोता ममता बड़ थी धरती आ भार उपाड़ी ले जे तारी रचेली आ दुनिया नष्ट थती बची जाए तो विद्यार्थी मित्रों मैंने आपको प्रार्थना काव्य का गान भी किया और इसका सरल अर्थ भी समझाया तो विद्यार्थी मित्रों मैंने आपको ये शब्दार्थ लिखवाया है वो भी आपको नोट डाउन करना है और पुस्तक में है वो भी तो हम अगले वीडियो में इसका अभ्यास अध्याय देखेंगे तब तक अस्तु सत केवल साहेब